गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर ऑन आवर फोर्थ स्टैंडर्ड जीके सब्जेक्ट। टुडे वी विल लर्न अबाउट आवर लेसन नंबर 15, 16, 17 एंड 18। सो लेट्स स्टार्ट टू सी व्हाट्स इनसाइड दैट लेसन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन आवर लेसन नंबर 15, दैट इज अ वर्ड ऑफ इंसेक्ट। हियर टोटल 8 questions are asked to you and every question has their 2 particular options and we just have to tick on the correct option. So first question is, why are some insects brightly colored? Answer is option A, to warn predators. Predator means उनके दुश्मन जिनसे उन्हें खतरा हो। Second, the purple emperor is a type of option A, butterfly. Question number 3, how many parts is the body of an insect divided into? The correct answer is option B, 3. Fourth number question, which bee stings? Stings matlab kaatna. Kaun si bee kaatti hai? That bee is female bee. Option B. Then question number 5, mosquitoes are attracted by the color and texture of clothes. The color that attracts them least is option B, white. मतलब mosquitoes हमें काटते हैं, उससे पहले वो color के वजह से और हमारा जो texture होता है उसके वजह से हमारे तरफ attract होते हैं। So लेकिन जो कलर उन्हें सबसे कम अट्रैक्ट करता है वो कलर होता है वाइट। क्वेश्चन नंबर 6, द बाइट ऑफ विच इंसेक्ट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, से फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 7, विच फीमेल इंसेक्ट ईट्स हर मेट एंड कैन रोटेट हर हेड बाय 180 डिग्रीज। ऑप्शन बी, प्रेइंग मेंटिस। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एन, ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजिस्ट। मतलब वो पर्सन जो इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ता है, उनके बारे में स्टडी करता है, उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज गिवन सम इंफॉर्मेशन, दैट इज ए इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स विथ 6 लेग्स एंड अ हेड outer shell, most have wings and antenna. A spider is not an insect as it has 8 legs. Second, the less colloquial name of a crane fly is daddy long legs. Question, lesson number 16, there is a plant quiz. Here also asked total 8 questions, but here is different thing. The different thing is that these questions means every question has 3 particular options और उनमें से हमें किसी एक करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट, what is the name of the process through which a plant makes its food? वो प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें प्लांट अपना खुद का खाना बनाता है? तो वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, what is the green substance in the leaves of a plant called? Answer is option B, chlorophyll. Question number 3, what part of the carrot plant do we eat? We eat the part of option A, root of carrot. Question number 4, which of the following categories does a rose plant belong to? It is A, option B, shrub. Question number 5, which of the following plants can eat insects? It's option A, Venus fly trap. Question number 6, which of the following plants belong to the grass family? That plant is option C, bamboo. और बम्बू वही प्लांट होता है जो ग्रो करने में सबसे ज्यादा स्पीड में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following plants closes its leaves when touch? It is A, option C, touch me not. हम
इस प्लांट को अक्सर लाजाड़ू के नाम से जानते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ए क्रीपर। क्रीपर मीन्स वेल। इट इज ए वाटरमेलन, मीन्स तरबूज। अ डेजी इज ऑल्सो नोन एज द डेज आइज। एंड सेकंड, प्रिकली पियर इज अ टाइप ऑफ कैक्टस। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज अवर लेसन नंबर 16 ऑफ प्लांट क्विज। नेक्स्ट लेसन, कंस्ट्रक्शन मशीनरी। देखो स्टूडेंट्स, हमेशा हमारे आसपास कुछ ना कुछ चीज़ें बनती रहती हैं, जिसमें रोड्स आते हैं, बिल्डिंग्स आती है, अगेन पुल्स आते हैं, रिवर के ऊपर के ब्रिजेस आते हैं। उसके लिए बहुत सारी मशीनरी यूज़ की जाती है, जिनका यूज़ हम इंसान ही करते हैं। सो यहाँ पर ऐसे ही कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाली मशीनरीज दी हुई है, हमें उनका पिक्चर देखना है, यहाँ पर उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है, और उस मशीनरी के नेम्स जो है वो हमें नीचे यहाँ पर पेज नंबर 18 पर हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं। हमें सिर्फ उन मशीनरीज को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम्स यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ पावरफुल मोटर व्हीकल विच अ ब्रॉड स्टील ब्लेड इन फ्रंट विच इज यूज टू मूव अर्थ और नॉक डाउन बिल्डिंग्स। दैट मशीन इज बुलडोजर। ये देखो, यहां पर आपको ये मशीन दिख रहा होगा। स्पेलिंग इज BULLDOZER। सेकंड, also called a lift truck, it is used to lift and transport materials. It is a fork lift. Spelling is FORKLIFT. Third, a device that mixes cement, sand or gravel and water to form concrete construction material. It is a concrete mixer. मतलब ये जो मशीन होता है, इसमें कंक्रीट मीन्स सीमेंट, देन वालू, खड़ी वगैरह सब मिक्स किया जाता है, जिससे स्लैब डालने के लिए बाद में ये मशीन यूज़ किया जाता है। फोर्थ नंबर, अ लिफ्टिंग मशीन यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड लोअरिंग मटेरियल्स एंड फॉर मूविंग देम हॉरिजॉन्टली। इट इज़ ए क्रेन। कोई भी हेवी चीज़ उठाने के लिए हम ये मशीन यूज करते हैं। ओके, देन फिफ्थ नंबर, एन इंजीनियरिंग व्हीकल यूज्ड फॉर कॉम्पैक्टिंग सॉइल, ग्रेवल, कॉन्क्रीट एक्सेट्रा इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। मतलब रोड पर डांबर डालने के बाद में उस रोड को फ्लैट करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। हम जो देखते हैं कि रोड पर चलते हुए हमें एकदम आरामदायक लगता है, क्योंकि रोड जो होता है वो एकदम फ्लैट होता है, तो वो रोड फ्लैट किस वजह से होता है? इसी मशीन की वजह से वो रोड फ्लैट होता है। देन सिक्स नंबर, अ हैवी इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मूविंग अर्थ ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। इट इज ए एक्सकेवेटर, जिसे JCB नाम से भी जानते हैं। स्पेलिंग इज EXCAVATOR, एक्सकेवेटर। देन आवर लास्ट लेसन नंबर 18,